वित्त मंत्रालय की ओर से देश में अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में 5,000 अरब डॉलर की बनाने के लिए बैंकों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव को लेकर शनिवार को सरकारी बैंकों में अपनी शाखाओं के साथ परामर्श और सुझाव अभियान की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से राजधानी में जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाओं में के साथ बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं और नवाचारों पर चर्चा की गई। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पुष्पाल सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधकों के साथ हुई परामर्श बैठकों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए ऋण संबल, एमएसएमई, मुद्रा लोन, निर्यात ऋण और हरित इकोनॉमी को लेकर चर्चा की गई। ये भारत सरकार की पहल पे शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। सरकार का ये मानना है कि जो उसकी स्कीम्स लोगों के लिए शुरू की गई है, हम पब्लिक के लिए, वो अभी तक कहीं ना कहीं कुछ गैप है, लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक शुरू किया कि जो ब्रांच लेवल है बैंकों की, क्योंकि ज़्यादातर स्कीम्स बैंकों के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही हैं सरकार की, तो सरकार का मानना है कि जो ब्रांच लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं क्या खामी है या क्या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए सभी बैंकों में ये आज और कल 2 दिन का एक विचार मंथन का प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारे यहाँ जयपुर क्षेत्र की जितनी भी ब्रांचेज हैं, 61 ब्रांचेज हैं, वो सब हमने यहाँ बुलाई हुई हैं और उन सब से एक व्यू ले रहे हैं। वो अपने अपने एरिया में क्या, कहाँ पे क्या कमी है, क्या उसको गैप को फिलअप कर सकते हैं, कैसे उसको हम और ज़्यादा अच्छे से आम लोगों तक, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लाभार्थी होने चाहिए, उन सब